Hello class 9th, welcome to all in once again maths class, and our topic is going on, that's name is a polynomial. So in that chapter polynomial, we are doing a last topic of our this chapter, that name is algebraic identity related questions. ठीक है, हमारा जो polynomial chapter है उसका हमारा last topic चल रहा है, जो exercise आपकी 2.5 depend है, जो depend जो किसमें है, algebraic identities में. क्लियर, इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कर दिया था, जिसमें आपने चार आइडेंटिटी यूज की थी, जो आइडेंटिटी आपने 8th क्लास में भी पढ़ी हुई है. ठीक है, होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे, मैंने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था. अब आपका हम इंट्रोड्यूस करते हैं रेस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज फॉर क्लास 9th. सो एज यू कैन सी हियर कि ये जो मैंने यहाँ पे एक आइडेंटिटी लिखी है, ठीक है, एक आइडेंटिटी ये वाली है और उसके बाद दो आइडेंटिटी यहाँ लिखी है, तो आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे, तीन आइडेंटिटी के बारे में. ये आपका क्लास 9th में इंट्रोड्यूस है और आगे भी चलता रहेगा, ध्यान रखना. ठीक है, सो इन आइडेंटिटी में क्या चीजें हैं, ध्यान रखना. ये आइडेंटिटी जो आपने 8th से पढ़ी है उससे थोड़ा एडवांस है. एज यू कैन सी दैट ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है इसमें है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. जनरली आपने ए प्लस बी के होल स्क्वायर तक पढ़ा है, दो टर्म का होल स्क्वायर पढ़ा है, यहाँ पे तीन टर्म का होल स्क्वायर दे रखा है. कि अगर तीन टर्म हो और उनका होल स्क्वायर हो तो उसको हम कैसे ओपन करेंगे, उसको कैसे एक्सपेंड करेंगे. सो मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर इस टर्म में कोई आपके पास क्वेश्चन आए और बोले सॉल्व इट या एक्सपेंड इट, ठीक है, तो एक्सपेंड करने के लिए आप पहले क्या करोगे, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस टू ए बी टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म. ए और बी मीन समझना टर्म है आपके, ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया. ठीक है, सो ये पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, तीनों का इंडिविजुअल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे टू इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म मतलब ए इंटू बी, फिर प्लस टू इंटू बी इंटू सी मीन्स टू इंटू सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म एंड लास्ट में प्लस टू इंटू थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म. ये इस तरीके से चलेगा आपका. ठीक है, इतना होप आपकी समझ आया होगा, ये आपके आइडेंटिटी है. एंड मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब आप कोई भी आइडेंटिटी है उसमें दो पार्ट है, ठीक है, तो जो इक्वल टुगेदर वाला पार्ट है वो ये फैक्टर पार्ट बोलेंगे इसे, और जो ये हो गया ये एक्सपेंड पार्ट हो गया. तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आप कभी फैक्टर पार्ट दिया रहेगा और एक्सपेंड पार्ट पूछा रहेगा कि सॉल्व इट या एक्सपेंड इट, और कभी एक्सपेंड पार्ट दिया रहेगा ये वाला पार्ट, बोलेंगे इसको क्या करो फैक्टराइज करो. तो दोनों तरीके से आपको आना चाहिए. तो पहले मैं इसको करके दिखा रहा हूँ कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला कि x प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर, एज वी नो दैट कि क्योंकि होल स्क्वायर है और तीन टर्म है तो सिंपल से पता चल जाता है इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी. कंपेयर करके देख सकते हो आप लोग, एंड फ्रॉम देयर वी कैन इफ यू विल कंपेयर सो वी कैन सी दैट कि a इक्वल टू x है, b इक्वल टू टू वाई है और c इक्वल टू क्या है फोर जेड है. ठीक है, तो हमारी मतलब कंफर्म हो गया है कि इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज होगी. अब आइडेंटिटी यूज हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि पहला क्या होता है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, फर्स्ट टर्म क्या यहाँ पे x है तो मींस x का स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है b स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर. अब ये ध्यान रखना जो टर्म में जितनी वैल्यू है सबका स्क्वायर करना है आपको, ऐसा नहीं कि आपने इंडिविजुअल y का स्क्वायर कर दिया, पूरे का स्क्वायर होगा. क्या लिखेंगे हम, जब एक से ज्यादा वैल्यू होंगी, जैसे सिंगल वैल्यू यहाँ पे एक से ज्यादा दो वैल्यू है, एक से ज्यादा वैल्यू होगी तो ब्रैकेट बनाना, ब्रैकेट बनाया टू वाई का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर फोर जेड का होल स्क्वायर प्लस इतना समझ गए, ये तीन वैल्यू के मैंने स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तीनों हो गए हैं. ठीक है, प्लस टू इंटू ए इंटू बी, ए इंटू बी मीन फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, आप यहां पर देख सकते हो और यहां पर देख सकते हो फर्स्ट इंटू सेकेंड दे रहा, तो मतलब एक्स इंटू टू वाई, ठीक है, प्लस टू इंटू बी इंटू सी है, बी इंटू सी मीन सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म मीन्स टू वाई इंटू फोर जेड. ठीक है, फिर प्लस लास्ट वाली वैल्यू आपकी टू इंटू सी ए, तो टू इंटू सी ए मीन्स थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, तो थर्ड टर्म क्या आपका फोर जेड और इंटू एक्स. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया, इसके एक्सपेंड फॉर्म में इसकी वैल्यू पुट कर दी. अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, आपका बन जाएगा पहली वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस
ये 2y का होल स्क्वायर, तुमने 2 का भी स्क्वायर करो, y का भी करो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका 4, और y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, जड़ का भी स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और जड़ का स्क्वायर जड़ स्क्वायर प्लस यहाँ पे नंबर नंबर मल्टीप्लाई करो, 2 को इस 2 से करेंगे, 2 टू जा 4 हो गया, और एक्स वाई का एक्स वाई हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला ये वाला पार्ट है आपका, तो प्लस इसमें नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 इंटू 2, तो 4 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, वाई जेड एंड लास्ट प्लस करके लास्ट वाला 4 इंटू 2 मीन्स 8 एंड वाई एक्स, सॉरी 4 इंटू एक्स 8 इंटू जेड एक्स, तो ये इसका एक्सपेंड फॉर्म हो गया, इसके बाद ये सोल्व आउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब आपका तीन टर्म का होल स्क्वायर हो, दो टर्म का होल स्क्वायर तक प्रीवियस वीडियो में था, अब अगर तीन टर्म के होल स्क्वायर है तो उसको ऐसे सॉल्व आउट करना है, आपको एक्सपेंड करना है कि पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस तीसरी वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ac प्लस 2bc प्लस 2ca, क्लियर, होप आपके समझ आया होगा। अब इसमें क्या बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इतना इजी नहीं बनता, डिफरेंट टाइप के मीन्स कि यहाँ जरूरी छोड़ना प्लस के साइन हो माइनस के भी हो सकते हैं, यहाँ जरूरी छोड़ना है प्लस के साइन हो माइनस के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके माइनस साइन यूज हो, जब आपके माइनस साइन यूज हो तो जहां जहां आपको वैल्यू आएगी आप उसकी जगह माइनस का यूज कर देना, एज लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको माइनस का कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 2y कर दिया है, तो एक तो 2y यहाँ पे है तो माइनस का 2y यहाँ पे कर देंगे इसके ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और 2y कहाँ है यहाँ पे, 2y इसका आगे लिख देंगे माइनस लिख देंगे, ठीक है, और 2y यहाँ पे भी इसके आगे लिखेंगे माइनस, और 2y कहीं नहीं है, समझ गए, जहां जहां जो टर्म आएगा वहां उसकी जगह खरीद लेंगे माइनस लगा देंगे, अब क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा, इसलिए प्लस का बन गया। फिर दूसरा वाला ये था आपका 2 इंटू एक्स 2 टू 4 प्लस माइनस का यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका सेकेंड टर्म आपका क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा ये वाला, ठीक है, एंड सिमिलरली ये बन जाएगा 4 टू 8, 8 टू 16 और प्लस माइनस ये भी क्या बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, क्लियर। तो मीन्स जो भी टर्म आपका नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव लेके चलो, ठीक है, अगर जेड वाला होता तो जेड जेड जहां आता वहां के लेते आप, यहाँ भी जेड वाला है, थर्ड टर्म यहाँ भी थर्ड टर्म है, मतलब यहाँ भी थर्ड टर्म है, यहाँ भी थर्ड टर्म है, तीन की जगह लिख दो माइनस लिख दो, अगर दो टर्म नेगेटिव आ रहे हैं तो दो दो को लेके चलो माइनस के, ठीक है, बस साइन को कैलकुलेट करना सीखो आप, कैसे माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस प्लस माइनस होगा, ठीक है, अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये कैसे होगा, ठीक। सो दिस इज योर, हमको फैक्टर फॉर्म देके एक्सपेंड फॉर्म पूछा गया है, ये आपका एक्सरसाइज 2.5 का फोर्थ क्वेश्चन है जो आपने खुद अटेम्प्ट करना है, ठीक है, एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन यही है इसका जो मैंने आपको करा दिया है, उसके बाद दो तीन क्वेश्चन और इसमें ये आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या आता है आपका फैक्टर के बाद मैंने उठाया था, दोनों पार्ट से क्वेश्चन आएंगे आपके, फैक्टर भी और एक्सपेंड वाला पार्ट भी आएगा, ठीक है, दोनों पार्ट आएंगे आप में कि एक बार फैक्टर दिया रहेगा एक्सपेंड पूछा रहेगा और एक बार एक्सपेंड दिया रहेगा, मतलब ये वाला पार्ट आपको गिवन होगा ये वाला, अब बोलेंगे इसके फैक्टर क्या होंगे, ठीक है, लाइक मुझे दे देंगे, इसमें ये वाला पार्ट थोड़ा टफ पड़ेगा आपका, ध्यान रखना समझना ढंग से कि मे भी आपको ये पार्ट देते, ठीक है, आपको बोला जाए ये एक्सपेंड फॉर्म दे दिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 16yz प्लस 8zx, ये दे दिया और बोले इसकी क्या करो फैक्टर करो, इसके फैक्टर करो, ठीक है। तो फैक्टर करने के लिए पहली चीज तो ध्यान रखना है कि आपको, क्योंकि फैक्टर करना मीन वाला पार्ट निकालना है, वाला पार्ट निकालने के आपको तीन चीज चाहिए ए बी और सी, इतना क्लियर है, जब आपको वाला पार्ट दे रहा था वाला पार्ट निकालना है तो इस पार्ट से पार्ट लाने के लिए आपको तीन चीज चाहिए, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू और थर्ड वैल्यू, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू आपके इन तीन टर्म से निकल जाएगा, ध्यान रखना जब आपको ये तीन टर्म निकालना है, देखो पहले तो आपको ये तीन टर्म निकालने हैं, पहली चीज ध्यान रखना, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बाद में बताऊंगा, पहले आपको पता करना है ए क्या आएगा बी क्या आएगा और सी क्या आएगा, तो उसके लिए क्या करोगे आप, जो वैल्यू यहाँ दे रखी है वो देखोगे आप, तो ये वैल्यू क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, मतलब जिनका स्क्वायर हो रखा वो देखोगे आप, स्क्वायर कहाँ रखे ये हो रखे हैं, देख रहे हैं, तो ये जिस चीज के स्क्वायर है उनको ले लेंगे आप ए बी सी, तो मुझे पता है एक्स एक्स स्क्वायर है तो इसको ए की जगह ले लोगे आप, कंपेयर करेंगे ए की जगह क्या आएगा एक्स आएगा, ठीक है, बी की जगह क्या आएगा आपका बी की जगह वाई तो आएगा और टू वाई आ जाएगा क्योंकि टू वाई का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, स्क्वायर बनना है इसने बी स्क्वायर बनना है, बी स्क्वायर इस पूरे का होल स्क्वायर बनना है, तो वाई का तो स्क्वायर पहले से 4 को किसे लिखेंगे 2 का लिख देंगे स्क्वायर, तो 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा, और सी की जगह क्या आ जाएगा आपका सी की जगह 16z स्क्वायर है, 16 को लिख देंगे हम 4z, ठीक है,
क्योंकि सी स्क्वायर बनेगा, ये तो 4z का होल स्क्वायर बनेगा, समझ रहे हो? ये एक्स स्क्वायर होगा, ये प्लस 2y का होल स्क्वायर होगा और प्लस 4z का होल स्क्वायर होगा, ऐसे होगा नहीं? तो इट्स मींस ये ए बन गया आपका, ए मींस एक्स बन गया, ये बी बन गया, बी मींस 2y हो गया और सी मींस 4z हो गया। तो आपको ए बी सी मिल चुके हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आपने साइन देखने, क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं है आप प्लस हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था आपको माइनस भी बन सकता है, तो उसके लिए साइन देख के आप देखोगे ध्यान को। आपने देखा फर्स्ट और टू, फर्स्ट दो टर्म क्या है, नेगेटिव है। फर्स्ट देखो, ये देखो, ये जो स्क्वायर करने के बाद के टर्म देखो आप कौन कौन से नेगेटिव है। अगर पहले दो टर्म नेगेटिव है, ध्यान रखना इसमें थोड़ा चीज है कॉम्प्लिकेटेड, कि अगर पहले दो टर्म कॉमन है, सॉरी साइन नेगेटिव है, पहले दो टर्म में साइन नेगेटिव है, तो आपको देखना दोनों में कॉमन टर्म कौन सा पड़ रहा है। मुझे दिख रहा है देखो, वाई यहां भी और वाई यहां भी है, ठीक है। जो टर्म कॉमन पड़ेगा, ध्यान रखना ये टर्म भी मत, तो टर्म ही देखो, जो टर्म दोनों कॉमन पड़ेगा उसका साइन नेगेटिव आएगा। जो टर्म कॉमन पड़ेगा, कॉमन दिख रहा है ना भाई, ये वाई है, ये भी वाई है, वाई कौन सा टर्म था आपका, वाई कौन सा टर्म था, सेकेंड टर्म। तो जो टर्म कॉमन पड़ेगा उसका साइन नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर माना इन दोनों में नेगेटिव होता, तो इन दोनों में कॉमन टर्म क्या था आपका, जेड वाला था, तो जेड नेगेटिव आता, ठीक है। तो मींस आपको फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो चुका है, आपका क्या बन जाएगा, एक्स प्लस का बनेगा, फिर माइनस का 2y बनेगा, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड टर्म में y कॉमन है, और प्लस 4z का होल स्क्वायर, ये इसे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसे करना है आपको, समझ रहे हो बात। कि अगर माना आपका एक क्वेश्चन है इस टाइप का, आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आपने पहले स्टेप क्या करना है, और बोला गया है कि इसको क्या लिखो, इसको इसके फैक्टर करो या फैक्टराइज इट, इसके फैक्टर निकालो। तो आपने पहले क्या करना है, जो तीन वैल्यू हैं इनका होल स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर हो रहा है। तो पहले तो एक्स का स्क्वायर हो रहा है, प्लस 2y का स्क्वायर हो रहा है, प्लस 4z का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, इतना हो रहा है। बाकी को एज इट इज कॉपी कर दो, 4xy माइनस 16yz और प्लस 8zx, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि ये आपका क्या बन जाएगा, a इक्वल टू क्या बन जाएगा, फिर ये लिखना है a इक्वल टू क्या बनेगा, b इक्वल टू क्या बनेगा और c इक्वल टू क्या बनेगा। दूसरा स्टेप a b c निकल गया आपके, क्योंकि यहां से कंपेयर करके, इसको कंपेयर इससे करेंगे तो a b c निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद साइन का देखना आपको, साइन के जो कॉमन टर्म बनेगा, y वाला कॉमन टर्म है तो y वाला क्या जाएगा आपका, तो a इक्वल टू x हो गया, b इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस 2y आ जाएगा और c इक्वल टू 4z। तो 100 क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्स माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, इस तरीके सोल्व आउट हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब इसमें अगर माइनस माने ये वाला टर्म और ये वाला टर्म होता, ये प्लस हो जाता, ठीक है। तो इसमें देखते हो, इसमें दोनों सेम कॉमन माइनस नेगेटिव टर्म कौन सा है, सॉरी कॉमन टर्म, कॉमन टर्म इन दोनों में एक्स वाला देखो, एक्स वाला कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, तो मीन फर्स्ट वाला नेगेटिव बन जाएगा आपका, ठीक है। होप आपके क्वेश्चन समझ आएगा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ सकते हो। तो एक्सरसाइज 2.5 का जो फोर्थ पार्ट है, एक्सरसाइज 2.5 का जो फोर्थ पार्ट है, वो आपका फैक्टर फॉर्म दे रखा है और एक्सपेंड पूछा गया है। और एक्सरसाइज 2.5 का फिफ्थ पार्ट जो है, उसमें आपको एक्सपेंड फॉर्म दे रखी है, याली फॉर्म, और फैक्टर पूछा गया है। तो दोनों मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आएगी तो यू कैन आस्क, ठीक है, इंडिविजुअली आप मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा आपको, ठीक। तो अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इज ऑल्सो आइडेंटिटीज दियर, इसमें भी आइडेंटिटी है। इसमें कितने टर्म है आपके, लिख रहा हूँ आपको, ये दो टर्म है, मतलब दो टर्म है उनका प्लस है और दो टर्म है उनका माइनस है। तो कभी भी दो टर्म हो, ठीक है, और उनका क्या कर रखा है, होल क्यूब कर रखा है, पावर थ्री, उनका होल क्यूब हो तो कैसे खुलेगा। ये भी सेम उसी की तरह है, ये फैक्टर पार्ट है, ध्यान रखना, और ये आपका एक्सपेंड पार्ट है, इधर वाला एक्सपेंड है, ये फैक्टर है। तो अगर a प्लस बी का होल क्यूब आए आपके पास ही, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब आए, तो उसके लिए क्या बनता है, a का क्यूब, पहली वाली वैल्यू का क्यूब प्लस दूसरी वाली वैल्यू का क्यूब, पहली वाली मतलब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, ध्यान रखना 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, एक बार a का स्क्वायर इंटू b और एक बार a इंटू b का स्क्वायर, ठीक है, समझिए आइडेंटिटी। अब इस आइडेंटिटी में क्या समझो कि जब b नेगेटिव होगा, देखो इस दूसरी आइडेंटिटी आपके नीचे रखनी है, इसी से बन जाएगी। अगर b नेगेटिव होगा तो जहां जहां b है वहां क्या कर दो, माइनस का कर दो,
यहाँ बी माइनस का आएगा तो माइनस की पावर ऑड नंबर है तो यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, तो मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ए स्क्वायर तो पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है तो यहाँ माइनस का बन जाएगा। ये याद करना चाहो तो सिंपली है आपका कि ए माइनस बी का होल क्यूब क्या बनता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, ठीक है, थ्री ए स्क्वायर भी, वैल्यू यही रहेगी, वैल्यू यही रहेंगी, वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ साइन में चेंज आएगा, साइन जहां बी की पावर ऑड नंबर में होगी वो नेगेटिव हो जाएंगे, ये बी की पावर ऑड नंबर है थ्री है नेगेटिव आएगा, यहाँ बी की पावर वन है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, ठीक है। दो आइडेंटिटीज है वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ के लिए भी और आगे क्लास के लिए भी ध्यान रखना, ठीक है। आपने चार आइडेंटिटी प्रीवियस वीडियो में किया था, पांचवा आइडेंटिटी हो गई आपकी, सिक्स हो गई, सेवन हो गई है, अभी दो तीन और एक दो और आएंगे आइडेंटिटी, तो इस आइडेंटिटी को समझिए आप क्या है इसमें, इसमें क्या, इसमें कंडीशन क्या है कि दो वैल्यू के सम का या माइनस का होल स्क्वायर हो रहा है, तो उसमें क्या लगेगा, ये आइडेंटिटी लगेगी। लाइक मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, माना लिखा है 2x plus 1 का होल क्यूब, और क्या बोला, एक्सपेंड इट या सॉल्व इट, तो मुझे पता है दो वैल्यू का सम है और उसका होल क्यूब हो रहा है, क्यूब कहीं भी दिखे आपको तो सिंपली आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, ए क्यूब, ए मीन्स फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, ध्यान रखना ए मीन्स फर्स्ट वैल्यू का क्यूब, फर्स्ट वैल्यू क्या है 2x, तो 2x का होल क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए मीन्स 2x का स्क्वायर इंटू 1 और प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, ये बन जाएगा इसका। अब इसको थोड़ा ओपन करो, 2 का क्यूब क्या होता है, 2 टू 4, 4 टू 8, तो 8x क्यूब, ठीक है, प्लस 1 का क्यूब मीन्स 1 ही होता है, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2x का होल क्यूब स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर और इंटू 1 और प्लस लास्ट वाला है 3 इंटू 2x इंटू 1। इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर देता हूँ, 8x क्यूब प्लस 1, ठीक है, प्लस 3 4 जा 12 x स्क्वायर प्लस 3 टू जा 6x, दिस इज इट्स आंसर, ये इसका आंसर हो गया, इसके बाद कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पे कितना रखा मेरा, दो वैल्यू के दो टर्म के सम का होल क्यूब, ठीक है, बात समझ आइए, दो टर्म के सम का होल क्यूब है आपका, तो ये इस तरीके से एक्सपेंड हो गई है, ठीक। अब माइनस को होता तो माइनस का सिंपल यहाँ पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और जहां जहां जो टर्म आ रहा है मैंने बताया था आपको, बी का माइनस बन जाता है तो इसको माइनस लिख देंगे, और नेक्स्ट टर्म भी क्या बनता है आपका, माइनस बनता है तो माइनस लिख देंगे, बस वही चला कर, ये माइनस को जाएगा और ये माइनस को जाएगा और ये माइनस को जाएगा और ये माइनस को जाएगा, दैट्स इट, यही करना है, इसमें कुछ ज्यादा थोड़ा करना है आपको, ठीक है, ये बात ध्यान से समझना। अगर नेगेटिव का होगा तो सेकंड एंड थर्ड टर्म नेगेटिव आएंगे, एक आइडेंटिटी याद कर लो, बस साइन का याद कर लो कि साइन कहां का नेगेटिव होंगे, ठीक है। और बेसिक माइंड लगाना चाहते हो तो बेसिक समझो कि जहां जहां बी नेगेटिव बी आएंगे वहां नेगेटिव आ जाएगा, जहां बी की पावर ऑड नंबर होगी, ऑड पावर होगी, और इवन पावर में पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या दिया रहेगा, फैक्टर दिया रहेगा और एक्सपेंड पूछा रहेगा, या मैंने दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ थे, फैक्टर दिया था, एक्सपेंड पूछा था, एक बार एक्सपेंड पूछा दिया था और फैक्टर पूछा था, सेम यही बनेगा, यहाँ पे आपको फैक्टर दिया हुआ था और एक्सपेंड पूछ दिया था, ठीक है। अब उल्टा हो रहेगा, माने यही क्वेश्चन है, ये नीचे वाला पार्ट है कि आपको क्या दे रखे हैं, एक्सपेंड फॉर्म दे रखी है, आपको एक्सपेंड फॉर्म दे रखी है और आपको क्या पूछ रहे हैं, किसके क्या निकालो, फैक्टर निकालो, ठीक है। तो पहचानने का तरीका कि कब आइडेंट लगी, देखो स्क्वायर हो रहा होगा, तीन वैल्यू का स्क्वायर लगेगा, अगर सिर्फ दो वैल्यू का क्यूब हो रहा हो, क्यूब दो वैल्यू की पावर थ्री हो रही हो, ठीक है, तो मीन्स वहां ही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। यहाँ पे दिख रहा हो, देखो एक तो इसका क्यूब हो रहा है, एक वन को वन का क्यूब भी बोल सकते हैं, यहाँ पे किसका 2x का होल क्यूब हो रहा है और माइनस 1 का क्यूब हो रहा है, बाकी को ऐसे उतार दो। तो पहली चीज आपको पहचानना है कि क्यूब हो रहा है कि स्क्वायर हो रहा है, या मुझे बताया क्यूब हो रहा है तो क्यूब के लिए इसको लेके चल देंगे, ठीक है। तो दो वैल्यू का क्यूब हो रहा है तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो a cos क्या आ गया आपका 2x और b cos क्या आ गया 1, और क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये 2x माइनस 1 का होल क्यूब बन जाएगा, तो ये एक्सपेंड दे रखा था, इसको फैक्टर निकाल दिया, ठीक है। माना मुझे दे रखा होता, देखो एक और क्वेश्चन डाल दो मैं आपको, माना आपको गिवन होता कि 3x माइनस 2y का होल क्यूब, ठीक है, इसको पहले पहले पूछ दिया उसने कि तू क्या करो, एक्सपेंड करो, तो एक्सपेंड करेंगे मुझे पता क्या होता है, ए क्यूब, ए क्यूब मतलब पहली वैल्यू का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब दूसरी वैल्यू का क्यूब
प्लस थ्री इंटू ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर इंटू बी, आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर, ये होगा। इसको थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे, 3 का क्यूब मतलब होता है 27 और x का क्यूब x क्यूब, प्लस 2 का क्यूब 8 और y क्यूब, प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9x इंटू 2y, प्लस 3 इंटू 3 x इंटू 4y। इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 27x³ प्लस 8y³ प्लस 9 टू जा 3 टू जा 6, 6 9 जा 54 एक्स वाई, प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 एक्स वाई। ठीक है, सॉरी इसका भी स्क्वायर आएगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर आएगा, ये और ये। ठीक है, ये इस तरीके से आपका सॉल्व आउट हो गया, ये हो गया आपका फैक्टर दे रखा था, बोलेगा सॉल्व इट, तो ये एक्सपेंड हो गया। बट अगर आपको ये वाला पार्ट दिया होता, ठीक है नीचे वाला पार्ट, ये अब बोल रहे थे क्या करो, इसका फैक्टर करो, फैक्टराइजेट, फैक्टराइजेट में मुझे पता है कि दो टर्म मिल रहे हैं, दो की पावर क्या है क्यूब है, बाकी को छोड़ो सिर्फ दो टर्म देखो आप कि दो की पावर क्यूब में है, तो मीन्स इन दोनों से कोई एक लगेगी, सारे प्लस है तो फर्स्ट वाली लगेगी। बट आपको क्या चीज चाहिए, ए और बी, याला बनाना आपको ना, फैक्टर पार्ट बनाना है, ये पार्ट बनाना है, उस पार्ट बनाने के लिए चाहिए ए और बी, तो चाहिए ए और बी, यहाँ से निकल जाएगा आपको, मतलब 3x का होल क्यूब हो रहा है और ये 2y का होल क्यूब हो रहा है, प्लस ये तो ऐसे चलते रहेगा 54xy² y और 36xy² y, तो ऐसे चलते रहेगा। मेन तो ये है, यहाँ से आपका ए कितना निकल गया 3x और बी कितना निकल गया 2y, फॉर्मूला क्या बन गया 3x प्लस 2y का होल क्यूब। ठीक है समझे, फैक्टर फॉर्म दे रखी है एक्सपेंड करना, और एक्सपेंड फॉर्म दे रही है फैक्टर निकालना, फैक्टर निकालने के लिए दो चीज में फोकस करना है, एक तो किसका क्यूब हो रहा है और एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है तो माइनस का आ जाएगा सेकंड वाला पार्ट, और पॉजिटिव तो सर पॉजिटिव चलेगा, ये भी यहां भी आपको बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब इसका दोनों पार्ट मैंने करा दिया आपका, फैक्टर भी और एक्सपेंड भी। अब ये ध्यान रखना, मैंने आज की करा दिया आपको एक्सरसाइज 2.5 का फोर्थ क्वेश्चन, कि मैं फैक्टर दे रखा था एक्सपेंड पूछा गया था फोर्थ में, फिफ्थ में एक्सपेंड दे रखा था फैक्टर पूछा था फिफ्थ में, ठीक है सिक्स्थ में आपका फैक्टर, इसका फैक्टर दे रखा था और एक्सपेंड पूछा था सिक्स्थ में, और सेवन्थ और एट्थ में, एट्थ में ध्यान, एट्थ में फैक्टर एक्सपेंड दे रखा था फैक्टर पूछा था, ये चीज ध्यान। अब सेवन्थ क्वेश्चन बचा है, सेवन्थ में क्या आपका जैसे लिखा है 99 की पावर 3, ठीक है 99 की पावर 3 मतलब 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये डायरेक्ट मत कर देना, इसमें लिखेंगे बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, कि कोई सुटेबल आईडीडी का यूज करके इसको क्या करो सॉल्व करो, तो सुटेबल आईडीडी का यूज करके कैसे सॉल्व करना है ध्यान रखो, 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब, लिख सकते हैं 99 को क्या लिखते हैं 100 माइनस 1 क्या होता है 99 ही होता है, ये कर दिया। अब इसके बाद इसमें कौन सा आईडेंटिटी लगा दो, यही लगा दो, क्योंकि क्या है ए की जगह क्या जाएगा 100, ए की जगह 100 आ गया और बी की जगह क्या आ गया 1 आ गया है, तो ए माइनस बी का होल क्यूब लगा दो, तो क्या होता है ए क्यूब मतलब 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर इंटू बी, बी बी मीन्स 1 और प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है 100 का क्यूब मीन्स 3 बार आ जाएंगे 1 2 3 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 10,000, ठीक है प्लस 300, ठीक है ये हो जाएगा आपका 130 300, क्योंकि प्लस का है और माइनस का 3001, इसमें से इसको माइनस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है इसी के टाइप का आपका एक और क्वेश्चन भी है, जैसे 99 ऐसे 102 का क्यूब भी है, तो 102 के क्यूब को क्या लिखेंगे हम 100 प्लस 2 का होल क्यूब, फिर उसमें किसका फॉर्मूला लगाएंगे प्लस का, तो ए प्लस बी का होल क्यूब लगा देंगे। ठीक, तो आपको ये मैंने आज फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन और एट्थ क्वेश्चन के पार्ट उठाए, ठीक है होप आपके समझ आए हो, पहले ये वाला पार्ट देखना सिर्फ, उसके बाद पॉज कर देना वीडियो, आइसोलेटेड क्वेश्चन करना इसका फर्स्ट वाला पार्ट कि एक्सपेंड कैसे करना है, फिर सेकंड पार्ट के लिए वो जहाँ से फैक्टर वाला पार्ट को निकालना सिखाया मैंने आपको वहां से स्टार्ट करना, फिर उसको एंड कर देना, फिर थर्ड पार्ट उसके बाद देखना, फोर्थ पार्ट उसके बाद देखना, अगर एक साथ पूरा देख लोगे तो समझ नहीं आएगा आपके, एक बार पूरा एक साथ देखना फिर उसके बाद पार्ट पार्ट करके सॉल्व आउट करना क्वेश्चन। ठीक है सो उसका तो मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, उसके बाद क्या क्या करना आपको फिर से होमवर्क में बता दूंगा आपको। फॉर टुडे दैट्स ऑल, थैंक यू।